8,000 और 5,000 वाले, 5,000 वाले को वहाँ सीट दे दिया गया माले को, पालीगंज सीट चला गया है माले को, जबकि पालीगंज हमेशा समाजवादियों का घर रहा है। माले का वहाँ मांस वोट का है नहीं, और माले के जो टिकट दिया गया है, हम लोग माले के विरोध में रोड पर उतरने के लिए आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है। बताते चले आपको कि राजद के खाते में 144 सीट, वहीं लेफ्ट के खाते में 29 सीट और साथ ही साथ कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर, और यहाँ पर आप दिखाना चाहेंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर पालीगंज से लोग आए हुए हैं, राजद के कार्यकर्ता आए हुए हैं, और उनके तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही इन्होंने तेज प्रताप यादव का भी गाड़ी रोकने का काम किया था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद हैं, और ये नाराज़ हैं क्योंकि माले के पाले में पालीगंज की जो सीट है वो चली गई है। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं। शांत रहिए। हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि पालीगंज का सीट जो है माले के खाते में चला गया है, तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 8,000 और 5,000 वाले, 5,000 वाले को वहाँ सीट दे दिया गया माले को। हम लोग को 80,000 वोट है, माइनॉरिटी, कुशवाहा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, सभी मिला के। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव खुद पहुँचे हैं और इनसे मुलाकात, जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं पालीगंज से, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव गेट पर खड़े हैं, और जितने भी कार्यकर्ता पालीगंज से आए हैं उनसे वह मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये लोग, जितने भी राजद के पालीगंज के कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि माले के खाते में पालीगंज का सीट चला गया है। इसको लेकर इनका साफ कहना है कि वहाँ पर माले के 8,000 से 10,000 वोट हैं, और वहीं राजद का 80,000 से 1,00,000 वोट है। तो इसलिए ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और भी लोगों से बात करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। पालीगंज सीट चला गया है माले को, जबकि पालीगंज हमेशा समाजवादियों का घर रहा है, वामपंथियों का घर नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग को मालूम हुआ है, तो हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि नहीं, माले से टिकट काटो और आरजेडी से दीनानाथ सिंह यादव को टिकट दीजिए, हम लोग जिता के भेजेंगे। तो आपकी यहाँ पे आप आए हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है? अभी तो तेज प्रताप यादव जी बाहर निकले हुए हैं, उनसे बात रखा जा रहा है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग भी जवाब जनता देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे? पालीगंज बहमूल जैसे कि यादव के क्षेत्र है, वहाँ करीब 80,000 यादव का वोट है, और माले का वहाँ मांस वोट कहीं है नहीं, और माले के जो टिकट दिया गया है, हम लोग माले के विरोध में रोड पर उतरने के लिए आ रहा है। लास्ट में अगर नहीं होगा तो वहाँ से माले के हम लोग जैसे पूरी तरह से हराने का काम करेंगे, चाहे जो पार्टी के हम लोग को मदद करना पड़े वो पार्टी के मदद करके हर हाल में हम लोग माले का चुनाव हराने का काम करेंगे। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये लोग राजद के कार्यकर्ता हैं, पालीगंज से आए हैं, और इन लोग काफ़ी आक्रोश है क्योंकि पालीगंज की जो टिकट है वो माले के खाते में जा चुकी है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर तेजस्वी यादव हमारी बात नहीं मानते हैं तो वहाँ पर माले को काफ़ी नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।